नमस्कार। आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूं जो आपके लिए वेल्थ प्रॉस्पेरिटी खींचेगी। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी किसको नहीं पसंद होती है। वो तरीका आपको फॉलो करना है, तरीके मैं बताऊंगी, मैं आपको वहां लेके जाऊंगी, उन चीजों को समझाऊंगी। वो क्रिएट करेंगे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, जो कि हम करेंगे तेज पत्ते से। तेज पत्ता एक ऐसी हर्ब है कि जब हम उसको बर्न करते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव क्लैरिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो उससे मनी अबेंडेंस, मनी को हम खींचेंगे, यानी कि हम उसे अट्रैक्ट करेंगे मनी को। और मनी जब अट्रैक्ट हमारा होगा तो हमारे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्लियर होंगी। जो आवाज है उसमें भी बहुत ताकत होती है। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी किस तरीके से आपको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है, कि उसको बर्न करके आप पॉजिटिविटी डालेंगे, आप उन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे वो तरीका है जिन्हें आप फॉलो करेंगे कि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो पॉजिटिव में बदल जाए। तो चलते हैं और समझते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कैसे हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। तो चलिए और समझते हैं कि एक छोटा सा तरीका जो हमारी अट्रैक्ट करेगा हमारे लिए हमारी मनी को। आइए देखते हैं आप इस रिचुअल को। इसके लिए कुछ चीजें आपको देखिए कलेक्ट करनी है। जैसे कुछ लोगों के पास अगर पायराइट होता है तो वो पायराइट कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का पायराइट हो स्टोन। आपके पास अगर मनी है अपना तो आप कोई भी मनी अपना कलेक्ट कर सकते हैं, मनी आप रख सकते हैं। इस तरीके का बाउल जो आपका म्यूजिकल बाउल होता है, यह बाउल हो। अगर बाउल नहीं हो तो आप किसी भी तरीके की कांच की प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 2 रुपीज का कॉइन्स है, वो भी मैंने इस्तेमाल की है। एंजल आप ग्रीन एवेंचुरियन की एंजल हो, लाइट डार्क वो भी ले सकते हैं। ये ग्रीन एवेंचुरियन मेरे पास रॉ स्टोन है, ये भी मैंने रखा है। अगर आपके साथ छोटा सा क्लस्टर है तो क्लस्टर भी आप रख सकते हैं। ब्लैक एवेंचुरियन या ब्लैक, ये आपका ब्लैक टर्मलाइन जो नेगेटिविटी आपको एब्जॉर्व करने में करेगा। मनी के लिए आप ये डार्क ग्रीन एवेंचुरियन का टंबल, अगर रिलेशन की प्रॉब्लम है तो रोज क्वार्ट्ज के टंबल, कुछ भी आप ले सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चीज को लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, अब इस तरीके के आपको तेज पत्ते चाहिए, ठीक है। और साथ में एक आपको कैंडल, कैंडल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए मनी की है तो आप उसके अंदर ग्रीन या व्हाइट कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने घर में रिलेशंस अच्छा चाहते हैं तो पिंक कलर की कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपकी कोई भावना अटकी हुई है और वो भाव आपका नहीं निकल रहा है तो आप अपनी येलो कैंडल का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप को टेम्पर गुस्सा नहीं आता या आप अपनी कोई ऐसी भावना जो आपके अंदर घुसी हुई है, जो मतलब इसे ईर्ष्या जलन की हो, तो रेड कलर की आप कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग कैंडल का आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको तेज पत्ता लेना है। देखिए मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आप तेज पत्ता लीजिए। अब आपको एक ग्रीन कलर का पेन लेना है और ग्रीन कलर के पेन से इस तेज पत्ते पे लिखना है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लिख लीजिए। देखिए मैं आज एक मनी की बताती हूँ, जनरल लोगों की मनी की ही होती है। जैसे आई लव मनी, मनी लव मी, ये लिखिए। यदि आपके पास, अगर आपने जीबू कोर्स कर रखा है, जीबू कोर्स तो उसके सिंबल्स होते हैं, आप लगा सकते हैं। अगर आपने मनी का कोर्स कर रखा है तो मनी के सिंबल्स होते हैं, उन्हें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी सिंबल है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जो जीबू कोर्स है उसके सिंबल्स बहुत जल्दी इस तरह की चीजों में काम करते हैं। तो वो आप जरूर, अगर हो तो आप जरूर डालिएगा। उसका एक स्पेशल तरीका है जो आपको बताया जाता है जब आप उसको करते हैं। इस तरीके का जो बॉक्स होता है उसके अंदर आपको करना। अब मैंने इस तरीके से देखिए लिख के रखा हुआ है, मैंने एक और पे भी लिखी है अपनी विश, साथ में मैंने सिंबल्स भी लगाया है, ऐसे मनी के सिंबल्स ही मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब आपको कैंडल रखनी है, या तो इस तरह का आप म्यूजिकल बाउल जो होता है वो ले लीजिए। अगर बाउल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कांच की आप समझ लीजिए ये प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर आपको इस कैंडल पे को हाथ में लेना है और इस कैंडल को उसके अंदर रखना है। आप इस तरीके से रख दीजिए। अगर आपके पास इस तरीके के स्टोन्स हैं, जैसे देखिए ये पायराइट है, सॉरी हाँ, ये भी आप रख सकते हैं।
पायराइट बहुत जल्दी और बहुत तेजी से काम करता है। इस तरह के पायराइट आपके अलग अलग स्टोन्स को आप इस तरीके से इसके आसपास रख सकते हैं अपनी विश के लिए, तो आपकी फ्रिक्वेंसी इसके साथ तेजी से हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, कैंडल को जनरली सिर्फ जलाना है। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन जी पुरहित में पाप संध्या दीपो नमस्तते शुभ कल आरोग्य शत्रु विधि विनाशय दीप ज्योति नमस्तभ्यम। इस तरीके से आप कैंडल जला लेंगे और जो भी आपने अपनी विश मांगी है उस विश को सिंपली इस पे जलाना है आपको। देखिए पूरी जल गई और आपको अपनी विश मांगते हुए छोड़ देना है। और जब तक ये कैंडल जलेगी आप इसके साथ में बैठ सकते हैं। ये पूरी तरह जल चुका है, आराम से होल्ड करके आप रख लीजिए। और यहाँ पे आपको अपनी पॉजिटिव जो भी आपने अफर्मेशन मांगी, जैसे कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, या मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हो गए हैं, वो पूरी तरह से वो अपने स्टडी में पूरी तरह से लग चुके हैं, जो भी आपकी आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए जो भी विश है वो आपको मांगनी है। और इस हिसाब से आपको एक कैंडल जलते हुए इस तरीके से प्लेट के अंदर बाउल के अंदर छोड़ देनी है और ये जलती रहेगी। और जलने के बाद में आप अगर एंजल को उसकर रखा है तो एंजल्स से आप प्रार्थना करेंगे कि हे एंजल्स प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। ऐसे हाथ जोड़ के आप एंजल्स से भी विश मांग सकते हैं, जो एंजल्स आपकी होती हैं, जो भी आपकी गार्जियन एंजल्स है, अगर आप एंजल कोर्स से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से विश आपको मांगनी। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा तो सिंपली ये रिचुअल आप कर सकते हैं जिसमें सिर्फ आपको अपना अपनी विश लिखनी है। मगर ये कितने दिन में आप कहते हैं काम करता है ये आपकी अपने ऊपर है, क्योंकि विश जो आप लिख रहे हैं ये एक तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको दे रही है। तो एक बार में भी हो सकता है, दो बार में भी, लेकिन किस तरीके से आप लिख रहे हैं, किस विश्वास के साथ लिख रहे हैं, वो इस रिचुअल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिस्टल्स आपकी मदद करते हैं, नहीं है क्रिस्टल्स तो कोई बात नहीं, आप छोटे टम्बल्स, जैसे छोटे टम्बल्स आते हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आज आपको अपना पूरा जो तरीका है वो समझाया है। आप ये करेंगे पॉजिटिविटीज आपके अंदर आएगी, मनी के ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, आपके कर्मास हीलिंग होगी, थोड़ी देर आप एक अध्यात्म की दुनिया में जाएंगे, आप वहां जाके देखेंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको क्रिएट होगी। ये रिचुअल आपकी नेगेटिविटी, क्योंकि जब आप तेज पत्ते को बर्न करते हैं तो अलग टाइप का धुआं एक आपके पूरे के पूरे रूम में, आप जिस हाउस में रहते हैं वहां पर स्प्रेड होता है, तो उसको होने दीजिए, वो आपकी नेगेटिविटी को वहां से किल करने में आपकी मदद करेगा। ये रिचुअल बहुत स्ट्रांग रिचुअल है। और जो इन लोगों ने तेज पत्ता जब आपने देखा खाने में भी डालते हैं तो उसकी भी स्मेल को इनहेंस कर देता है, तो आप जब ये काम करेंगे तो एकदम से आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं मैं दुआ करूंगी आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आइए देखते हैं आप इस रिचुअल को। इसके लिए कुछ चीजें आपको देखिए कलेक्ट करनी है। जैसे कुछ लोगों के पास अगर पायराइट होता है तो वो पायराइट कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का पायराइट हो स्टोन। आपके पास अगर मनी है अपना तो आप कोई भी मनी अपना कलेक्ट कर सकते हैं, मनी आप रख सकते हैं। इस तरीके का बाउल जो आपका म्यूजिकल बाउल होता है, ये बाउल हो, अगर बाउल नहीं हो तो आप किसी भी तरीके की कांच की प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 2 रुपीज का कॉइन्स है, वो भी मैंने इस्तेमाल की है। एंजल आप ग्रीन एवेंचुरियन की एंजल हो, लाइट डार्क वो भी ले सकते हैं। ये ग्रीन एवेंचुरियन मेरे पास रॉ स्टोन है, ये भी मैंने रखा है। अगर आपके साथ छोटा सा क्लस्टर है तो क्लस्टर भी आप रख सकते हैं। ब्लैक एवेंचुरियन या ब्लैक या आपका ब्लैक टर्मलाइन जो नेगेटिविटी आपको एब्जॉर्व करने में करेगा। मनी के लिए आप ये डार्क ग्रीन एवेंचुरियन का टम्बल, अगर रिलेशन की प्रॉब्लम है तो रोज क्वार्ट्ज के टम्बल, कुछ भी आप ले सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चीज को लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, अब इस तरीके के आपको तेज पत्ते चाहिए, ठीक है, और साथ में एक आपको कैंडल। कैंडल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए मनी की है तो आप उसके अंदर ग्रीन या व्हाइट कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने घर में रिलेशंस अच्छा चाहते हैं तो पिंक कलर की कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपकी कोई भावना अटकी हुई है और वो भाव आपका नहीं निकल रहा है तो आप अपनी येलो कैंडल का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आपको टेम्पर गुस्सा नहीं आता या आप अपनी कोई ऐसी भावना जो आपके अंदर घुसी हुई है, जो मतलब इसे ईर्ष्या जलन की हो, तो रेड कलर की आप कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग कैंडल का आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको तेज पत्ता लेना है। देखिए मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आप तेज पत्ता लीजिए। अब आपको एक ग्रीन कलर का पेन लेना है
और ग्रीन कलर के पेन से इस तेज पत्ते पे लिखना है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लिख लीजिए। देखिए मैं आज एक मनी की बताती हूँ, जनरल लोगों की मनी की ही होती है। जैसे आई लव मनी, मनी लव मी, ये लिखिए। यदि आपके पास, अगर आपने जीबू कोर्स कर रखा है, जीबू कोर्स तो उसके सिंबल्स होते हैं, आप लगा सकते हैं। अगर आपने मनी का कोर्स कर रखा है तो मनी के सिंबल्स होते हैं, उन्हें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो भी सिंबल है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, जो जीबू कोर्स है उसके सिंबल्स बहुत जल्दी इस तरह की चीजों में काम करते हैं, तो वो आप जरूर, अगर हो तो आप जरूर डालिएगा। उसका एक स्पेशल तरीका है जो आपको बताया जाता है, जब आप उसको करते हैं इस तरीके का जो बॉक्स होता है उसके अंदर आपको करना। अब मैंने इस तरीके से देखिए लिख के रखा हुआ है, मैंने एक और पे भी लिखी है अपनी विश, साथ में मैंने सिंबल्स भी लगाया है, ऐसे मनी के सिंबल्स ही मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब आपको कैंडल रखनी है, या तो इस तरह का आप म्यूजिकल बाउल जो होता है वो ले लीजिए। अगर बाउल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कांच की आप समझ लीजिए ये प्लेट है, और इस प्लेट के अंदर आपको इस कैंडल पे को हाथ में लेना है और इस कैंडल को उसके अंदर रखना है। आप इस तरीके से रख दीजिए। अगर आपके पास इस तरीके के स्टोन्स हैं, जैसे देखिए ये पायराइट है, सॉरी ये भी आप रख सकते हैं। पायराइट बहुत जल्दी और बहुत तेजी से काम करता है, इस तरीके पायराइट आपके अलग अलग स्टोन्स को आप इस तरीके से इसके आसपास रख सकते हैं अपनी विश के लिए, तो आपकी फ्रिक्वेंसी इसके साथ तेजी से हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, कैंडल को जनरली सिर्फ जलाना है। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप पुरोहित में पाप संध्या दीपो नमस्तुते, शुभ कल आरोग शत्रु विद्धि विनाशय, दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। इस तरीके से आप कैंडल जला लेंगे और जो भी आपने अपनी विश मांगी है उस विश को सिंपली इस पे जलाना है आपको। देखिए पूरी ये जल गई और आपको अपनी विश मांगते हुए छोड़ देना है, और जब तक ये कैंडल जलेगी आप इसके साथ में बैठ सकते हैं। ये पूरी तरह जल चुका है, आराम से होल्ड करके आप रख लीजिए। और यहाँ पे आपको अपनी पॉजिटिव जो भी आपने अफर्मेशन मांगी, जैसे कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ, या मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हो गए हैं, वो पूरी तरह से वो अपने स्टडी में पूरी तरह से लग चुके हैं, जो भी आपके आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए जो भी विश है वो आपको मांगनी है, और इस हिसाब से आपको एक कैंडल जलती हुई इस तरीके से प्लेट के अंदर, बाउल के अंदर छोड़ देनी है, और ये जलती रहेगी। और जलने के बाद में आप अगर एंजल कोर्स कर रखा है तो एंजल्स से आप प्रार्थना करेंगे कि हे एंजल्स प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। ऐसे हाथ जोड़ के आप एंजल्स से भी विश मांग सकते हैं, जो एंजल्स आपकी होती हैं, जो भी आपकी गार्जियन एंजल्स है, अगर आप एंजल कोर्स से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से विश आपको मांगनी है। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा तो सिंपली ये रिचुअल आप कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपको अपनी विश लिखनी है। मगर ये कितने दिन में आप कहते हैं काम करता है ये आपकी अपने ऊपर है, क्योंकि विश जो आप लिख रहे हैं ये एक तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको दे रही है, तो एक बार में भी हो सकता है, दो बार में भी, लेकिन किस तरीके से आप लिख रहे हैं, किस विश्वास के साथ लिख रहे हैं, वो इस रिचुअल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिस्टल्स आपकी मदद करते हैं, नहीं है क्रिस्टल्स तो कोई बात नहीं, आप छोटे टम्बल्स, जैसे छोटे टम्बल्स आते हैं आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आज आपको अपना पूरा जो तरीका है वो समझाया है। आप ये करेंगे, पॉजिटिविटीज आपके अंदर आएगी, मनी के ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, आपके कर्मास हीलिंग होगी, थोड़ी देर आप एक अध्यात्म की दुनिया में जाएंगे, आप वहां जाके देखेंगे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको क्रिएट होगी। ये रिचुअल आपकी नेगेटिविटी, क्योंकि जब आप तेज पत्ते को बर्न करते हैं तो अलग टाइप का धुआं एक आपके पूरे के पूरे रूम में, आप जिस हाउस में रहते हैं वहां पर स्प्रेड होता है, तो उसको होने दीजिए, वो आपकी नेगेटिविटी को वहां से किल करने में आपकी मदद करेगा। ये रिचुअल बहुत स्ट्रांग रिचुअल है, और जो इन लोगों ने तेज पत्ता जब आपने देखा खाने में भी डालते हैं तो उसकी भी स्मेल को इनहेंस कर देता है, तो आप जब ये काम करेंगे तो एकदम से आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं, मैं दुआ करूंगी, आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।